नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। इटखोरी अवस्थित ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान भद्रकाली महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 और 2 के तत्वाधान में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दुलार ठाकुर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य सह कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर दुलार ठाकुर ने मतदान के महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि मतदान का लोकतंत्र के लिए काफी महत्व है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हम अपने मताधिकार का प्रयोग कर एक सबल और सशक्त सरकार का चुनाव करते हैं। देश के सभी नागरिकों का यह परम कर्तव्य बनता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर केंद्र में सरकार बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और योग्य प्रतिनिधि का चुनाव कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अर्थशास्त्र विभाग के ललित मोहन सिन्हा ने छात्र छात्राओं के बीच लोकतंत्र में मताधिकार की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए मतदाता के लिए मतदान का क्या महत्व है इस विषय पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं के बीच लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति जागरूकता प्रसारित करने का काम किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर जानकी प्रसाद दांगी ने छात्र छात्राओं से राष्ट्रीय हित में मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि 5 वर्ष के बाद आने वाले इस चुनाव का सरकार के गठन में व्यापक महत्व है। देश के नागरिकों के एक एक वोट से हमारे देश में सरकार का संचालन होता है और देश का विकास होता है। इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्र हित में मतदान करें। राज्य सरकार के कर्मचारी आपके यहाँ जाते हैं, बीएलओ और स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगह जो है फॉर्म आया, हमारे यहाँ भी फॉर्म आया था और सभी आप लोग को फॉर्म दिया गया जो विद्यार्थी का 18 वर्ष की आयु जिसकी हो गई थी और फॉर्म भर करके वो जमा किया और उसको मतदाता सूची में नाम आया। इसलिए जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है उसको मतदाता सूची में नाम कराने का, अगर जो विधानसभा का चुनाव हुआ बुल्स बस अगर नहीं हो सका तो तुरंत विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसके बाद मतदाता पुनरीक्षण होगा, उसमें आप लोग जरूर अपना मतदाता सूची में नाम डलवाएंगे। इसलिए कि हम किसी का इम्पोर्टेंस के लिए आप बैठे हुए हैं, आप युवा वर्ग है, देश आपको देख रहा है, देश के आप कर्णधार हैं। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और जब संविधान जब लिखा गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कमलों से ये हुआ तो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व के रूप में माना गया है चुनाव, कि जब लोकसभा, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब सरकारें बनती हैं तो उसका चयन जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से ही उसका चयन किया जाता है। आपके बीच में आप भी जो है लोकसभा जा सकते हैं, आप भी विधानसभा जा सकते हैं और ये मत का अधिकार यह है कि राष्ट्रपति का अधिकार जितना है, गरीबी अमीरी, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति धर्म सभी से ऊपर उठ करके, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस समुदाय का हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे जज हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, उसको भी वोट देने का एक ही अधिकार है, वह एक ही वोट दे सकता है। और आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, क्यों ना आप रिक्शा चलाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, घर में आप सामान्य रूप से बैठे हुए हैं, लेकिन आपका भी अधिकार जो है मात्र एक ही वोट देने का अधिकार है। वी टाइम न्यूज के लिए इटखोरी चतरा से अखिलेश पांडे की रिपोर्ट।